भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 59th गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। सिल्वर ओक स्कूल के ट्रस्टी, कमेटी मेंबर, प्रिंसिपल और इस पूरे कार्यक्रम के जो शिरोमणि हैं, आप सब बच्चे, आप सबको मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार है। और आप सबको इतना खूबसूरत कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत बधाई है। I admire your energy, especially March past was beautiful, and then these tiny tots which came, the छोटे वाले जो बच्चे जितने आए हैं, मेरा ख्याल है जितनी खुशी इन्होंने हवा में बिखेर दी अपनी हंसी के साथ, अपने दौड़ने के साथ, अपनी मुस्कुराहटों के साथ, और उतना ही सुंदर प्रस्तुति रही जो सीनियर स्टूडेंट्स थे। आप सबका जुम्बा, सालसा, डांस एंड दी फॉर्मेशन, द ह्यूमन फॉर्मेशन जो आपने करे। गणतंत्र दिवस सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता है, गणतंत्र दिवस एक्चुअली वो दिन है जब हम अपने देश में हम नागरिकों को क्या ड्यूटीज हैं हमारी, क्या राइट्स हैं हमारे, उस सबको याद करने का दिन है। इस देश को आजादी आसानी से नहीं मिली थी, ये सही है कि हम लोग सब बहुत बाद में पैदा हुए हैं, हमने वो समय नहीं देखा, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो गुलामी, जो तकलीफ, जो बेइज्जती इस देश ने सही थी, उस गुलामी से, उस बेइज्जती से, उस अपमान से छूट करके एक अपना स्वाभिमान सर उठा करके अपना देश, ये मेरा देश है, इस देश के हम नागरिक हैं। सो उस गणतंत्र के जो प्रावधान, जो रूल्स, रेगुलेशंस एंड राइट्स एंड हम सबके लिए जो एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत कर दिया गया कि जहां आप अपनी व्यक्तिक आजादी के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, एक अच्छा जीवन जीने के अवसर इस देश में जो प्रस्तुत किए गए, आजादी की कीमत शायद वही समझता है जो किसी बंधन में रहा हो, जो बंधन में नहीं रहा वो कभी आजादी के मूल्य को नहीं समझ सकता है। लेकिन इस देश में जहां हम रह रहे हैं, इस भारत देश के साथ अपने मैं को जोड़ देना और फिर ये दिन को मनाना, ये बहुत आवश्यक होता है। नृत्य से, खेल से, शिक्षा से, एक संकल्प से, दृढ़ता के साथ कि हम अपने जीवन को एक नया अर्थ देंगे, एक नई ऊंचाई को हम छुएंगे। आप सब जितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, you are very lucky to be in this school, and I believe very firmly that all the staff over here, the teachers, the respective teachers, the principal, and your guideline givers, all are working hard to give you a better environment for education. And most important thing is not that you will do your 10th over here and then you will move out, but the important thing is that the inculcation of duty towards society, towards our country is very very important. Do choti baatein bas main kehna chahti hu. Whenever you see any armed forces, say air force se ho, navy se ho, army se ho, jab bhi aap aise kisi uniform mein व्यक्ति को देखें, आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो द स्टाफ मेंबर्स, टेक अ स्टॉप, गिव अ सल्यूट टू देम,
say your thank you, sir. Because of you, we are surviving and living happily in this country. So always be respectful to those who are dedicating their life and they are putting their life at stake for this country. Number two, always respect your school teacher or your teaching which is happening at home. मतलब आपके माँ या आपके पिताजी या आपके दादा या आपकी दादी, आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो आपको सिखाता है, वो भी आपका टीचर होता है. Always be respectful to your teachers. Those who can't be respectful to their teachers can never ever have success in their life. हम सब सफलता चाहते हैं, हम सब जीवन में खुशी चाहते हैं, हम सब जीवन में ऊंचा उठना चाहते हैं. पर बस ये याद रखना कि बिना ज्ञान के आप ऊंचा नहीं उठ सकते हो. और जो ज्ञान हमें देते हैं हमारे आचार्य, हमारे टीचर, उस आचार्य के प्रति आपका प्रेम, आपकी सद्भावना, आपका सत्कार, कि वो कभी उसमें चूक नहीं होनी चाहिए. अभी चूंकि आप जो बिल्कुल छोटे हैं या फर्स्ट से जो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ऐसे तो सब बड़े समझदार हैं, लेकिन फिर भी शायद वो अनुभव ना कर पाए, शायद वो उसको अप्रिशिएट ना कर पाए कि वो एक सुंदर दौर में है. ये जो आपका चाइल्डहुड, दिस इज द गोल्डन टाइम, जहां हंस सकते हो, नाच सकते हो. ये जितने स्टेज में बैठे हुए हैं, जिसे तुम जंप्स मार रहे थे, एक बार उल्टा करें, इनको बोले अब ये सब जुम्बा करें, ये सब सालसा करें, ये सब डांस करें, ये सब ह्यूमन फॉर्मेशन बनाएं, हाँ, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये बच्चे होना भूल गए हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, है ना. और जब खाते रहेंगे फास्ट फूड सोफा पे बैठ के और टीवी देखते रहेंगे, तो शरीर की तो दुर्दशा हो जाती है. Always remember this, the more you exercise, the more you grow. One small pointer, जिन्होंने human formation का training कराया है, उन teachers के लिए है, कि अगर आप human formation कराना चाहें, तो at least बच्चों को ज्यादा नहीं तो 12 योग के आसन जो हैं, वो जरूर करा दीजिए, क्योंकि जो स्थिरता, जो stability आसन करने से आती है, उसके साथ जब आप ह्यूमन फॉर्मेशन करेंगे, तो न तो पैर कांपेंगे, न तो गिरेंगे, कोई दुर्घटना की संभावना नहीं रहनी चाहिए. सो बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑलवेज रिमेंबर योर कंट्री. योर कंट्री कम्स फर्स्ट, एवरीथिंग आफ्टर दैट. देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम कुछ भी नहीं हैं. अपने देश के प्रति हमारी जो आस्था है, उसमें कभी कमजोरी नहीं आनी चाहिए. जब आपकी शिक्षा में या स्पोर्ट्स में कोई भी उपलब्धि होती है, तो वो उस उपलब्धि को मनाना होता है जब, तो तब तिरंगा फहराया जाता है. ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, साउथ एशियन गेम्स हो, नेशनल गेम्स हो, स्टेट गेम्स हो, पर जब भी किसी को प्रथम पुरस्कार मिलता है, तो उसके देश का झंडा ऊपर जाता है. वो जो गर्व, वो जो सम्मान की भावना उस समय पर आती है, वो शायद नॉन स्पोर्ट्स पर्सन कभी कभी महसूस नहीं कर पाते. जो एक आर्मी मैन, एक ऑफिसर जो महसूस करता है, वो शायद कभी कभी जो आम साधारण नागरिक है, वो महसूस नहीं कर पाता है. सो दो बातें जो मैंने कही वो याद रखिए. एक, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को जब देखे, जब मिले, दैट इज व्हाट आई मायसेल्फ डू, राइट. ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते और सिर्फ आपको कह रहे हैं. I do it myself. Always respect your good wishes to the people who serve the country. And number two, always be respectful to your teachers. Remember this. और ये मेरी शुभकामना है आप सब बच्चों को. खूब पढ़ना, पर उतने जोर से खेलना भी. खेलना मत छोड़ देना. खेलना भी है, क्योंकि जितना आप खेलते हैं, जितना आप हंसते हैं, जितना आप नाचते हैं, खास करके जब आप नाचते हैं, तो बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है. और अभी ये एक रिसर्च आया है, पुराना है ऐसे तो, 10 साल पुराना है रिसर्च,
लेकिन बार बार इस चीज के ऊपर पुष्टि होती है कि जब आप शतरंज खेलते हैं या आप टेबल टेनिस खेलते हैं या जिम्नास्टिक करते हैं, जब आप योगासन करते हैं, तो बॉडी एंड ब्रेन का जो कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन जो होता है, उस कोऑर्डिनेशन से आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी बढ़ती है, माने योर लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एनहांसेस, विच मीन्स इट विल बी सो इजी फॉर यू टू डू योर स्टडीज, एग्जाम फिर डर का कारण नहीं रह जाएगा, वो आपके लिए जैसे हंसते खेलते कुछ भी कर लिया ऐसे ही हंसते खेलते एग्जाम भी हो। ये बहुत आवश्यक है कि एकेडमिक स्टडीज जो स्कूल में निश्चित बहुत अच्छे स्तर पर होती हैं, मैंने आपके जो सोनाली जी हैं इनके लिए भी और इनके मदर जो है मिसिस चौधरी उनके लिए भी मैंने एक सुझाव रखा था कि शिक्षा के साथ साथ हमारे जो नैतिक संस्कार हैं वह भी यहाँ स्कूल पर जरूर दिए जाएं, और अगर नैतिक संस्कार नहीं है तो हमारी शिक्षा अधूरी है। वो नैतिक संस्कार चाहिए, वो धार्मिकता चाहिए और सहिष्णुता, सेवा, दया, अहंकार रहितता, सौहार्द के साथ जीना, ईमानदारी के साथ जीना, झूठ से बचना, बेईमानी से जीतना, रिश्वतखोरी से बचना, सुंदर स्वस्थ समाज की संरचना कर पाएंगे। नहीं तो जो बेपढ़ा लिखा है वो पैसे के लिए पागल, और फिर पढ़ा लिखा है वो भी पैसे के लिए पागल, और जब सब पागल इकट्ठे हो जाते हैं तो उस देश का कुछ उज्जवल भविष्य नहीं रह जाता है। हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक ये सर्वोपरि होना चाहिए। इसको डेवलप करने, मुझे मालूम है ये कोर्स में नहीं होता है, होना चाहिए है नहीं, हमारा कोर्स ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, पर मेरा ये एक छोटा सा सुझाव है सब टीचर्स के लिए कि आप ज्योग्राफी, मैथ्स, हिस्ट्री, सोशल साइंस जो भी पढ़ाओ, पर बीच में कोई एक बात उस दिन जरूर बच्चों के लिए कह जाओ, चाहे ये कि किसी का आदर हमेशा करना है, चाहे ये कि किसी वृद्ध या महिला को देखो तो उसको कुर्सी बैठने को दो, अगर आप बैठे तो उठ के खड़े हो जाओ, या प्रणाम करना है, या अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना है, या उनकी बात को सुनना है, या कि चोरी नहीं करनी, या कि झूठ नहीं बोलना, कुछ एक ऐसी बात वो अगर आपके मुख से निकलती है और यू शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स एंड यू योर सेल्फ लिव दिस काइंड ऑफ ग्लोरिफाइड लाइफ, बी अ टॉर्च बेरर ऑफ नॉलेज, लेट द टीचर्स बी द टॉर्च बेरर। एकेडेमिक्स वंडरफुल, बट डोंट मिस ऑन टू द मोरालिटी पार्ट, डोंट मिस अपॉन द स्पिरिचुअलिटी पार्ट, माइनस स्पिरिचुअलिटी द एजुकेशन इज वेरी हैंडीकैप्ड। हमारा देश हमको ये सुंदर हेरिटेज जो हमें मिला है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, और आप सब बच्चों को मेरा बहुत प्यार, I love you all the way you were performing। आप सबका मेरे साथ जो आए हैं, मैं उनको कह रही थी कि when इन सबके चेहरों को अपने कैमरे में कैद कर लेना, इनके खूबसूरत हंसते हुए चेहरे, इनके मुस्कुराते हुए चेहरे, इनकी ये एनर्जी, इनका ये डांस, इनका ये स्टांस, इनका ये मार्च पास्ट, हर चीज एक आनंद का उद्गोतक है। और सब स्टाफ को और कमिटी मेंबर्स को, टू ऑल द पीपल हु आर प्रेजेंट ऑन द डायस विद मी, मेरी बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बधाई है आप सबको। वंदे मातरम, वंदे मातरम, थैंक यू।